हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने खुद की एक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइकी, टिकटॉक की वीडियो और फोटो डाउनलोड और वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जो स्क्रिप्ट हम यूज करने वाले हैं उसे हमें कहां से परचेज करना है, मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस मत करना है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम एक गिव अवे भी रखने वाले हैं जिसमें किसी एक लकी विनर को हम ये जो स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे ये बिल्कुल फ्री में देंगे, जिसकी वर्थ 2000-3000 के आसपास है। अगर आप चाहते हैं आप इस गिव अवे को विन करें तो अभी वीडियो को एक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि आपके इस गिव अवे को विन करने के चांसेस और बढ़ जाएं। तो बिना किसी देरी के साथ मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सेक्नो में। तो जो स्क्रिप्ट हम यूज करने वाले हैं उसको आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो सिंपल आप अपने ब्राउजर में जाएं, ब्राउजर पे यहां पे डालें कोड कैनियन, देन हम यहां पे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम डाउनलोडर। ठीक है, हम यहां पे इंस्टाग्राम डाउनलोडर ओपन करते हैं। तो यहां पे आपको नीचे आना है, देन इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर, टिकटॉक, फेसबुक इमेज एंड, तो इस तरह का आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी। तो सिंपल आपको इसको ओपन करना है। तो यहां पर देखो 1.4 इसका लेटेस्ट जो वर्जन है, हो सकता है इन फ्यूचर इनका वर्जन कुछ लेटेस्ट हो जाए। तो 92 इनके अभी तक सेल्स हैं, आपको इसका रिव्यूज़ देख लेना, रिव्यूज़ इसके 4.33 हैं, कमेंट्स 51 है इसके, तो सारे कमेंट्स आप एक बार चेक कर लें, देन उसके बाद ही परचेज करें। एक्चुअली मैं इसको खुद भी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो ही मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको डाउनलोड करें। अगर आप अपनी एक टूल्स वेबसाइट, डाउनलोडर टूल्स वेबसाइट खुद की बनाना चाहते हैं और एक अर्निंग सोर्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल आपको इसका डैमो भी मिल जाएगा, आप इनका डैमो भी चेक कर लें। तो इनका ये डैमो है सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लाइकी एंड फेसबुक की इमेज एंड वीडियो दोनों डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फीचर्स बहुत अच्छे हैं इसके, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको परचेस किया हुआ है तो आप भी इसको परचेस कर लें। यहाँ पर जब आप इसको परचेस करते हैं तो $26 में आपको ये मिलती है, $26। मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, यहाँ पे आपको $26 दिखा रहा है, ठीक है। मैं गो टू चेकआउट करता हूँ तो आपको यहाँ पे आ जाता है $28 में, जो कि हम इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो USD टू INR $28 कितने होते हैं, $28 हमारे होते हैं 2,302 रुपीज़। तो ये 2,300 रुपये की आपको स्क्रिप्ट मिल रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक फेवर दे सकता हूँ, आप इसको इसके हाफ रेट में परचेज कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है, सिंपल आपको हमारी वेबसाइट themesbot.com पर जाना है। यहाँ पर सिंपल आपको आना है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड टिकटॉक। तो ये जो स्क्रिप्ट है मैंने यहाँ पे डाले हुए 1,235 रुपीज़ में, ठीक है। तो सिंपल आप इसको सेलेक्ट करें, देन आपको सिंपल इसे ऐड टू कार्ट करके परचेज कर लेना है, ठीक है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप INR में परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप इसे पेपल के थ्रू परचेज कर सकते हैं। देन अब हम आगे बढ़ते हैं इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर, ठीक है। मैं कैंसिल कर लेता हूँ, मैं आता हूँ अब अपने लोकल होस्ट के अंदर। आप इसे सिंपल लोकल होस्ट में भी एज अ टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना एग्जैम्प सर्वर है इसको स्टार्ट कर लेंगे, हो गया स्टार्ट। देन अगेन जहाँ पे हमने इसकी फाइल्स डाउनलोड करी होंगी वो फाइल्स को यहाँ पे ओपन कर लेना है, इंस्टाग्राम इमेज डाउनलोडर। ये जो फाइल्स हैं ना, ये सारी फाइल्स हैं हमारी, ठीक है। ये फाइल्स हैं, इसमें जो स्क्रिप्ट है वो ये वाली स्क्रिप्ट है, ठीक है। अपडेटेड फाइल्स, ये फैक कंट्रोलर, ये अपडेटेड फाइल्स हैं इसके, इनको बाद में देखेंगे। अभी जो हमारी स्क्रिप्ट है इनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या फिर कॉपी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो इसकी स्क्रिप्ट है इसको आर्काइव कर लिया है, आर्काइव करके मैं इसको कॉपी कर लूँगा। देन आपको HDDocs फोल्डर में आना है, देन यहाँ पे मैं सिंपल एक फोल्डर बना लूँगा इंस्टा डाउनलोडर के नाम से, ठीक है। वैसे तो इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइकी और आपका टिकटॉक सारे हैं, लेकिन मैं अभी इसको नाम जस्ट टेस्टिंग के लिए दे रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लूँगा, ये सारी फाइल्स मेरे यहाँ पे आ गई। अब इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और डिलीट होने के बाद सिंपल अब आपकी जो ये फोल्डर है इसको आपको लोकल होस्ट में ओपन करना है अपने ब्राउज़र में। तो लोकल होस्ट एंड हम यहाँ पे डालेंगे इंस्टा डाउनलोडर, ठीक है। तो यहाँ पे 500 हमारा एरर आ रहा है। तो सिंपल अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका डेटाबेस कनेक्ट करना है, ठीक है। तो लोकल होस्ट इसका PHP माई एडमिन ओपन करेंगे एंड फिर से इसकी फाइल्स के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स हैं गिरी। अब इसमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे सबसे पहले,
इस डेटाबेस को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इंस्टाग्राम, जस्ट मैं इंस्टाग्राम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे जो हमारी फाइल्स हैं, हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस ये है, इसको हमें इंपोर्ट करना है। सिंपल हम इसे इंपोर्ट कर देंगे, न्यू इंस्टॉल डेटाबेस, जस्ट मैंने इसकी किया इंपोर्ट, इंपोर्ट हो गया। हमें फिर से इंपोर्ट में जाना है, यहाँ पे फिर से एक फाइल सेलेक्ट करेंगे, बैक आएंगे, डेटाबेस अपडेट्स में जाएंगे, तो ये वाला हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। याद रखना आपको दोनों डेटाबेस इंपोर्ट करने हैं, कोई एक नहीं करना, दोनों करने हैं, ठीक है। अब दोनों हो चुके हैं, अब सिंपल हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर के अंदर, फिर से ओपन करेंगे, देन यहाँ पर जो हमारा लोकल होस्ट में हमने जो फोल्डर बनाया था ना इंस्टाग्राम डाउनलोडर के नाम से, इसको हम विजुअल कोड में ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब विजुअल कोड में हम यहाँ पे कन्फिग पीएचपी की जो फाइल है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर सिंपल एक तो आपको अपना जो लोकल होस्ट का वाला डोमेन है ये यहाँ पर चेंज करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पर डालूंगा लोकल होस्ट, लोकल होस्ट एंड स्लैश करके इंस्टा डाउनलोडर, ठीक है। आपका जो डोमेन है आपको वो अपना डोमेन डालना है, मैं लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ तो लोकल होस्ट है, और आपको यहाँ पे अगर आपका HTTPS है, सिक्योर्ड है, SSL आपके पास है, तो यहाँ पे HTTPS कर देंगे, अदरवाइज HTTP ही रहने दें, ठीक है। और आपका जो गूगल एनालिटिक्स का की है, GA की जो होती है ना, वो यहाँ पे पेस्ट करनी है सिंपल। एंड जो आपका टाइटल है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको चेंज करने हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। और जो हमारा मेन चीज़ है वो डेटाबेस है, यहाँ पर हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जो हमने अभी डेटाबेस बनाया था वो बनाया था इंस्टाग्राम के नाम से, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो रूट है, पासवर्ड कुछ है नहीं, तो पासवर्ड मैं एम्प्टी रख देता हूँ, बाकी आपको कुछ छेड़ना नहीं है, बाकी ठीक है सारा। ऐप का नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ऐप नेम चेंज कर सकता हूँ, सेक्नो डाल देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया, अब फिर से ओपन करेंगे अपने URL को, देखो यहाँ पर परफेक्टली ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब इतना काम होना है, अब हम चेक करेंगे हमारा कोई URL वर्किंग है या नहीं है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं Instagram को, तो यहाँ पे देखो Instagram वर्किंग है, डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखो डाउनलोड भी हो रहा है, HD में इमेज हमारी डाउनलोड हो रही है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे YouTube के लिए, सॉरी YouTube नहीं है इसमें, हम चेक करेंगे TikTok के लिए, TikTok है, डाउनलोड करेंगे, TikTok की वीडियो भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इनका कुछ TikTok का जो वीडियो का डाउनलोडर बटन है वो है नहीं इनका, तो वो इनका बैकएंड का इश्यू है खुद का ऑथर की तरफ से। एंड अब ट्राई करते हैं Facebook के लिए, डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे Facebook की दो क्वालिटीज़ आ रही हैं, एक SD वीडियो और एक HD वीडियो, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पे भी सेम इसका साइज़ है और सेम ही इसका साइज़ है, तो यहाँ पे मैं ऑथर से रिक्वेस्ट करता हूँ इसको चेंज करें और प्रॉपर इसको डालें, ताकि यहाँ पर इसका साइज़ भी रिड्यूस हो। अगर ये SD क्वालिटी में तो ऑब्वियसली इसका साइज़ कम होना चाहिए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और साथ में आपका लाइक की एक लाइकी का ऑप्शन है, वो यहाँ पे शायद वर्किंग है, एक बार देख लेते हैं वर्किंग है या नहीं है। एक्चुअली क्या है, लोकल होस्ट पर आपका लाइकी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वहीं आप इसका कोड कैनन पे जाके अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको कोड कैनन पे दिखाऊंगा, आपका कोड कैनन पे ही काम कर रहा है। मुझे नहीं पता क्यों काम कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से लोकल होस्ट पर लाइकी वाला फीचर आपका काम नहीं करेगा, आपको लाइव सर्वर पर ही डाल के एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि आपका जो डैमो ये शो कर रहे हैं ना, डैमो में तो वर्किंग कर रहा है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा आपका जो लाइक की वीडियो है, जैसे डाउनलोड करता हूँ ना, इनको कुछ इश्यू है, किसी और में जाकर मैं अगर चेक करूँ लाइक की, तो यहाँ पे देखो लाइक की काम कर रहा है, लेकिन हमारे लोकल होस्ट पे काम नहीं कर रहा है। तो ये एक बार हमें चेक करना है, हमारे लाइव सर्वर के ऊपर हमें ज़रूर चेक करना है, ठीक है। पहले कोई कमेंट ना करे कि लाइकी आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको एक बार लाइव सर्वर पर भी इसे चेक करना है। लाइकी हो गया,
और हाँ, ऑथर से रिक्वेस्ट है, आप इसका टिकटॉक वाला जो बटन है उसको ज़रूर ऐड करें, क्योंकि हमें यहाँ पर खाली वीडियो दिख रही है, इसका कोई हमें डाउनलोड करने का बटन नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है इन नेक्स्ट अपडेट ये आ जाए, एंड जैसे ही वो अपडेट आएगा मैं आपको वो अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं इसके सी पैनल के बारे में। ये तो हमारा फ्रंट एंड हो गया, अब इसके बैक एंड को देखते हैं। हम सिंपल इसमें डालेंगे सीपी, देन यहाँ पर हमें जो ईमेल और पासवर्ड डालना है वो यहाँ पे इसके जो डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स होंगी ना उसमें इन्होंने दी हुई हैं। मैं जस्ट डॉक्यूमेंटेशन फाइल में जाऊँगा इसके ट्यूटोरियल्स में, एंड यहाँ पर इन्होंने ये दी हुई है admin@example.com। मैं जस्ट इनको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा, और जस्ट ऐसे ही इसको पासवर्ड को कॉपी करके देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, देन लॉगिन करेंगे। बाकी फाइल्स को मैं अभी यहाँ पे टैब्स को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एडमिन पैनल है सिंपल, यहाँ पे आपकी पोस्ट हैं, आप यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो जो कि आपकी ब्लॉग सेक्शन में आपको दिखेंगी सिंपल यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही आपके पेजेस हैं, ये सिंपल पेजेस हैं, इंस्टाग्राम डाउनलोडर, टिकटॉक डाउनलोडर, पॉलिसी, कुकीज़ पॉलिसी, ऐसे ही आप अलग अलग पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, लाइक फेसबुक पेज, फेसबुक डाउनलोडर। जैसे मैं न्यू पेज क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ फेसबुक डाउनलोडर, इसके बारे में लिखना आपको जस्ट मस्ट है, तो फेसबुक इसमें मैं जस्ट लिख देता हूँ। नीचे आएंगे, इसको जस्ट सबमिट करना है आपको, तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी इसको हम प्रीव्यू करेंगे, तो आपका ऐसा दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज में डाउनलोडर फॉर्म भी वो आपको दिखे, तो सिंपल आपको जाना है एक्शन में, करना है एडिट करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इनेबल डाउनलोड फॉर्म, तो इसको इनेबल्ड कर देना है, देन सबमिट करेंगे, देन एक बार फिर से चेक करेंगे, देन आप यहाँ पे देखो डाउनलोड फॉर्म आपका आ रहा है, ओके। अब बैक जाएंगे, ठीक है, अब बैक जाएंगे, देन यहाँ पर एक और ऑप्शन है FAQs का, तो सिंपल इस पर क्रिएट करेंगे एक्शन एडिट। जो ये FAQs हैं वो आपको अपने मेन पेज है उसमें दिखेंगे, ये वाले जो ऑप्शंस हैं आप इनको एडिट कर सकते हैं और अपने खुद के ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसको अगर एडिट करते हैं तो इनके एडिट में कुछ इशू है, आई डोंट नो व्हाट, बट एडमिन की तरफ से इशू है। देन आप अगर यहाँ पे क्रिएट न्यू करते हो तो आप यहाँ पे खुद के क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फ्रंट एंड फीचर्स हैं, आपके जो फीचर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये वाले, वीडियो डाउनलोडर, इस तरह के जो फ्रंट एंड फीचर्स हैं आप इनको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं, जनरल सेटिंग्स के अंदर आप टाइटल, स्लोगन, अबाउट सेक्शन के लिए हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम फोटोज़ वगैरह वगैरह, SEO टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, आपका लोकेशन, आपका लोगो क्या है, ट्विटर की डिटेल्स क्या है, लीगल पेजेस आपके पास कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का लीगल पेज आपको यहाँ पे बनाना है, टर्म्स कंडीशंस का लीगल पेज बनाना है, FAQs का लीगल पेजेस बनाने हैं, तो ये सिंपल आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी एक ऑप्शन यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का है, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट अस के लिए पर्सनल पेज नहीं है, लेकिन आप अपना खुद का पर्सनल पेज क्रिएट कर सकते हैं पेजेस में जाके। जो हेडर्स में ये लिंक्स हैं इनको चेंज करना चाहते हैं, या फिर इसमें कोई अदर लिंक आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। उसमें आपको HTML की नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको बैकएंड में जो फाइल्स होंगी उनके अंदर जाके ही आपको मैनुअली कोड को ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे काम ट्रिकी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको आज के इस गिव अवे में पार्ट लेना है तो अभी इस नीचे आ रहे लाल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जस्ट उसके साइड में ही एक नोटिफिकेशन आइकन भी आ रहा होगा, आपको उस पर भी क्लिक करना है, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और हाँ दोस्तों, एक कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि हम एक रैंडम कमेंट पिक करते हैं जो भी यूजर सबसे ज्यादा एक्टिविटी फॉलो करेगा इस चैनल के लिए। लाइक उसने इस वीडियो को लाइक किया, उसने इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी गिव अवे को विन करने के लिए। और आज के इस गिव अवे को जो भी विन करेगा उसको ये जो स्क्रिप्ट मैंने आज आपको बताई है जिसका वर्थ 2000 अप्रोक्स है, वो आपको फ्री में एकदम प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों, आज के इस गिव अवे का रिजल्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे, तो दोस्तों तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। चलिए दोस्तों, हम लेते हैं आपसे अब अलविदा, और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियोस के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।